हेलो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है कि यदि कोई बिजनेसमैन अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू से कम की वैल्यू में एसेट को सेल करेगा तो उसका जो लॉस आएगा वो बिजनेस लॉस माना जाएगा, ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। फ्रेंड्स, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक अहम डिसीजन दिया गया है। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डेप्रिशिएबल एसेट में बिजनेस लॉस क्लेम किया गया। जब असेसिंग ऑफिसर के द्वारा देखा गया तो उसने ये फाइंड आउट किया कि रिटर्न डाउन वैल्यू इस एसेट की बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई गई है, और असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि ये जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा सेक्शन 50 के अंतर्गत, और इसे बिजनेस लॉस नहीं क्लेम कर सकता है टैक्स पेयर। फ्रेंड्स, इस केस में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 41 को देखा गया, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एसेट को सेल कर देता है तो सेल करने के बाद जो स्क्रैप वैल्यू एक्स्ट्रा से उसे अमाउंट रियलाइज हुआ है तो उसने जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर लिया था उस अमाउंट तक उसकी यह इनकम बिजनेस इनकम मानी जाती है। और सेक्शन 50 यह कहता है कि जो सेल कंसिडरेशन और रिटर्न डाउन वैल्यू का एक्सेस अमाउंट है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन दोनों ही सेक्शन में ये नहीं बताया गया है कि यदि एसेसी का लॉस होता है तो उसे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे यदि एक्सेस अमाउंट रिसीव होता है तो ही टैक्सेबल किया जाता है, लेकिन यदि रिटर्न डाउन वैल्यू से कम की वैल्यू में एसेट सेल किया गया है तो एसेसी को लॉस हो रहा है, इसलिए उसे बिजनेस लॉस ही माना जाएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं माना जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।